नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगी 2200 गृहरक्षकों की बहाली। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में अब 50% क्लास होंगे ऑनलाइन। बिहार CDPO भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव का हुआ ऐलान। मिड डे मील के मेन्यू में हुआ बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से शुरू होगी 2200 गृहरक्षकों की बहाली। बिहार गृहरक्षा वाहिनी में आज से 2200 गृहरक्षकों की बहाली शुरू होने वाली है। इसको लेकर राजधानी पटना में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बहाली की व्यवस्था देखने के लिए डॉक्टर DM चंद्रशेखर सिंह और SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे थे। ऐसे में अब जो भी परीक्षार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, वो ध्यान रखें कि अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और संबंधित प्रमाण पत्र और स्टैम्प आकार के 2 फोटोग्राफ के साथ 6 बजे उपस्थित होना है। मुख्य गेट पर पावती रसीद मिलेगी। पावती रसीद पर उम्मीदवार का फोटो रहना आवश्यक है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वो हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंधन, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टार्ज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इनका जन्म उनके पैतृक गाँव मुजफ्फरपुर जिले बिहार के बेनीपुर गाँव के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिहार के थानों में लंबित है लाखों केस, इसे माना जा रहा है कारण। बिहार के थानों की स्थिति और सूरत काफी बदहाल है। हालांकि प्रशासन की कोशिश जरूर है कि बिहार पुलिस थानों को व्यवस्था वहां पर जैसी भी है उसे सुदृढ़ किया जाए, लेकिन यकीनन इसमें काफी समय लगने वाला है। इसके साथ ही अब सभी पुलिस चौकियों में लंबित मामले भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 1067 थानों में 1 लाख से अधिक लंबित मामले हैं, जिसका कारण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से बरती जा रही लापरवाही को माना जा रहा है। आंकड़ों को देखें तो लगभग 30-40% मामले संबंधित केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के स्तर पर लापरवाही के कारण ही लंबित पड़े हैं। बिहार की छात्राओं के लिए जल्द ही जारी होगा हजारों करोड़ रुपया। बिहार की नीतीश सरकार बिहार की छात्राओं को शिक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत ही जागरूकता फैलाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी छात्राओं की काफी मदद की जाती रही है। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि बिहार की कोई भी छात्रा पैसे के अभाव से शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी के तहत अब बिहार में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली से लेकर के स्नातक पास करने वाली छात्राओं तक के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1223 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इस राशि के भुगतान का शिक्षा विभाग के प्रस्ताव तैयार कर चुका है, जिस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति जल्द ली जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने लाभार्थियों की पूरी सूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। यानी कि अब बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्राओं को राशि देने का काम किया जाएगा, जिससे छात्राओं की शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी थोड़ी मदद उन्हें मिल सकेगी। बिहार CDPO भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन बाल विकास परियोजना अधिकारी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वो BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये परीक्षा प्रारंभिक 15 मई 2022 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक 21 जिलों में आयोजित होने वाली है। ज्ञात हो BPSC CDPO की प्रीलिम्स परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे। परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। भारतीय डाक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के कुल मिलाकर 38,926 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा पास और साइकिल चलाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आजादी के बाद बिहार के इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन।
बिहार में अगर हम रेलवे की बात करें तो ये सप्ताह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल कोसी और मिथिलांचल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साल 1934 में आए भूकंप के बाद कोसी और मिथिलांचल में लोगों को काफी नुकसान हुआ था। इस दौरान चलने वाली रेलगाड़ियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन आजादी के बाद से इस इलाके में रेलवे के परिचालन को लेकर लगातार प्रयास किए गए हैं। लेकिन 87 साल बाद वो मौका आया जब इस रूट पर रेलवे की शुरुआत होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि 7 मई को इस रूट का उद्घाटन किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस रूट में ट्रेन का परिचालन नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों का कष्ट दूर होने वाला है। दरअसल झंझारपुर सहरसा के बीच में रेलवे की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि केंद्रीय रेलवे मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अगले कुछ दिनों तक नहीं सताएगी गर्मी। बिहार में गर्मी के तीव्र तेवर के बीच अब बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य भर में मई में अधिकतम तापमान सामान्य और इसके आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। शुरुआत के 3-4 दिनों में ये स्थिति देखने को मिल रही है। दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान में ये बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकतर भाग में एक खास अंतराल पर बादल छाते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां भी दिखेंगी। पूरे महीने के दौरान राज्य के अधिकतर भाग में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान बढ़ने की स्थिति में वातावरण में नमी होने की वजह से मेघ गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली और कुछ जगहों पर तेज आंधी की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। बिहार में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर हो रही है गेहूं की खरीदारी। बिहार में इन दिनों गेहूं की कटाई का काम हो रहा है, साथ ही गेहूं की बिक्री भी खूब हो रही है। पहली बात, स्थानीय बाजार में बिहार में ऐसा देखने को मिला है कि गेहूं के दाम घोषित समर्थन मूल्य 2015 रुपए से अधिक है। खरीद के लिए स्थानीय व्यापारी किसान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। देश की कुछ बड़ी निर्यातक कंपनियां भी गेहूं खरीद करने के लिए स्थानीय व्यापारियों को वित्तीय सहायता दे रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दो देश के बीच में तनाव की स्थिति है, जिसके कारण ही दुनिया में गेहूं की कमी उत्पन्न हो गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए निर्यातकों की तलाश भी की जा रही है, इसीलिए व्यापारियों को अच्छी दर मिल रही है। मिड डे मील के मेन्यू में हुआ बदलाव। पीएम पोषण योजना के मेन्यू में बदलाव शिक्षा विभाग की तरफ से बीते दिन कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब स्कूल में बच्चों को सलाद की जगह सब्जी युक्त पुलाव दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी एचएम को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है और मेन्यू के अनुसार बच्चों को एमडीएम यानी कि मिड डे मील देने को कहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गर्मी की वजह से अक्सर स्कूलों में समय से पहले ही मिड डे मील तैयार हो जाता है। हरा सलाद काटे जाने के तुरंत बाद उपयोग में नहीं लाए जाने पर खराब हो जाता है। गंधयुक्त हो जाने की वजह से खाने योग्य ये नहीं रहता। इससे बच्चों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है। इसकी वजह से सलाद को मेन्यू से हटाया गया है। बिहार में शराब नष्ट करने से मिट्टी पानी पर नहीं पड़ रहा है दुष्प्रभाव। शराब के नष्ट करने का मिट्टी और पानी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शराब के अवैध अड्डों को नष्ट करने के बाद शराब या स्पिरिट को नष्ट करने वाली जगहों से मिट्टी और पानी के सैंपल की जांच के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के उत्पाद आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेसीबी मशीन और अन्य माध्यमों से शराब नष्ट करने के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया गया था। इस बाबत बीते दिनों हाईकोर्ट ने भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर इस मामले को अपने स्तर से देखने को कहा था। बिहार के 5 IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने बीते दिन 5 IAS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। संदीप पॉन्ड्रिक को निवेश आयुक्त मुंबई और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार फाउंडेशन पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो मौजूदा समय में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव है। वहीं लखीसराय के उप विकास आयुक्त निखिल धनराज निपन्नीकर का स्थानांतरण मुंगेर के नगर आयुक्त के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह को तबादला करते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वहीं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विशेष सचिव कैश वेंद्र कुमार का तबादला राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के अपर कार्यपालक निदेशक पद पर किया गया है। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहां पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर है, जिस कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है।
बीपीएससी को प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए मिले पद से ज्यादा आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों की होड़ लगी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार में प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए जिस आवेदन की मांग की गई थी, उसके लिए बीपीएससी को 1.07 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह से रिक्त पदों से 2.6 गुना अधिक आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हुई थी, जो कि 2 मई तक जारी रही। कम आवेदन आने की वजह से पात्रता की अनुभव संबंधी शर्तें हैं, वहीं इसकी परीक्षा जुलाई में होने की संभावना जताई गई है। इस भर्ती के द्वारा प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद भरे जाएंगे। इनमें से 13,761 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में अब 50% क्लास होंगे ऑनलाइन। कोरोना काल में बिहार के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद से ही बिहार के क्लासेस में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किए जाने के पक्ष में जानकार देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद ही अब एक बार फिर से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में 50% क्लास ऑनलाइन होने की बात सामने आई है। कोरोना वायरस के दौर में बुरी तरह प्रभावित हुई उच्च शिक्षा फिर कभी बेपटरी ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग एक खास किस्म का मैकेनिज्म तैयार करेगा। इसमें नियमित ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे। 50% क्लास डिजिटल मोड में होंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही कुलपतियों और आईसीटी एक्सपर्ट की बैठक करेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में वाईफाई की सुविधा दी जा चुकी है। इस्कॉन मंदिर में इस समय करने जाए दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के श्री राधा बांके बिहारी मंदिर भक्तों के लिए बुधवार से खुल गया है। ऐसे में मंदिर के समय को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, तो हम आपको बता दें कि मंदिर में कृष्ण भक्त सुबह 4:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे के बीच भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस्कॉन पटना के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने कहा है कि मंदिर नियमित रूप से भक्तों के लिए खोली जाएगी। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक दिन मंदिर लगभग 3.5 घंटे के लिए बंद रहेगा। मंदिर गर्भगृह में प्रतिदिन कीर्तन कार्यक्रम होगा। कृष्ण भक्त सुबह 4:30 बजे मंदिर खुलने के बाद बांके बिहारी दर्शन कर सकेंगे। सुबह 4:30 बजे से 5 बजे के बीच मंगल आरती होगी। 7:15 बजे तक के लिए पट बंद हो जाएगा। इस दौरान 5 से 7:15 बजे के बीच तुलसी आरती होगी। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव का हुआ ऐलान। बिहार में राज्यसभा के एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। पिछले साल दिसंबर में जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा रहे किंग महेंद्र प्रसाद के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीते दिन चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। बिहार की एकमात्र सीट के लिए 12 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 30 मई को अब मतदान होने वाला है। इसी दिन शाम को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 मई को ये किया जाएगा। उम्मीदवार अपना नामांकन 23 मई तक वापस ले सकते हैं। चुनाव के लिए मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 30 मई को शाम 5 बजे परिणाम की घोषणा भी हो जाएगी। जदयू ने राष्ट्रीय महासचिव को दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार के सियासी दल जदयू में बीते दिन बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसकी जानकारी खुद पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रवीण सिंह लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, इसके कारण ही जदयू ने उन पर कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय महासचिव के पद सहित पार्टी की अन्य सभी जिम्मेदारियों और प्राथमिक सदस्यता से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें प्रवीण सिंह जनता दल यूनाइटेड की झारखंड इकाई के प्रभारी भी रह चुके हैं। फिल्में हिट करवाने के लिए बिहार को किया जा रहा है बदनाम। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन बिहार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल पहली बार 12 मई को बिहार सरकार इन्वेस्टर मीट का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने कई बातें रखी। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने फिल्मों में बिहार के प्रति दिखाए जा रहे परसेप्शन को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बिहार की छवि को गुंडों वाली दिखाई जाती है, फिल्मों में बिहार की छवि गलत तरीके से पेश की जाती है। शाहनवाज हुसैन ने फिल्म मेकर से अपील करते हुए कहा कि अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए बिहार के कंधे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जिनको बिहार के बारे में जानकारी नहीं है वो बिहार आए, वो खुद गया के प्रभारी हैं। फिल्म निर्माता गया आए और जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां जाकर ज्ञान प्राप्त कर लें। नाला निर्माण से पौधों को हुई क्षति पर वन विभाग ने वसूले 23 लाख। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर बड़ी कार्रवाई बीते दिन की गई, जिसके एवज में विभाग को लाखों रुपए देने पड़े हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पटना पार्क प्रमंडल ने पौधे प्रभावित करने के मामले में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर बड़ी कार्रवाई की है। स्ट्रैंड रोड स्थित उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आवास के बाहर कुल मिलाकर 906 पौधे प्रभावित हो गए थे, जिसके बाद ही पटना पार्क प्रमंडल ने इस मामले में पुल निर्माण निगम पर पौधा संरक्षण एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसके तहत पुल निर्माण निगम पर सभी प्रभावित पौधों की क्षतिपूर्ति वन रोपण के रूप में 23,33,739 रूपये की राशि पुल निर्माण निगम पर लगी है। पीके के आरोपों पर उमेश कुशवाहा ने दिया बयान।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि फिलहाल वो पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, जिसके बाद से ही अब उनके इस बयान पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है। इसके साथ ही पीके ने इस दौरान कई आरोप भी लगाए, जिसके बाद ही हलचल तेज हो गई है। बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, लोगों को पार्टी बनाने का अधिकार है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम लोगों के पार्टी में प्रशांत किशोर थे और पार्टी से निकल कर गए तो वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शुभकामनाएं हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से चुनौती मिलने के सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि चुनौती क्या है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी उनमें सभी की आस्था है, बिहार उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। 1944 में पुणे के आगा खान पैलेस से गांधी जी रिहा हुए। मुंबई में हुए 26/11 मामले में दोषी अजमल आमिर कसाब को 2010 में सजा सुनाई गई। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मिजोरम के तीसरे मुख्यमंत्री लल थनहवला का जन्म 1942 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म 1964 में हुआ। प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन 1946 में आज के दिन हुआ। आज के दिन को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप रिएक्शन फीचर मिलना हुआ शुरू। अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी मैसेज पर रिएक्शन दे सकेंगे। जी हां, व्हाट्सएप रिएक्शन बीते दिन से रोल आउट होना शुरू हो गया है। खुद मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस बात की जानकारी दी है। ये फीचर यूजर को इमोजी के साथ मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करने की अनुमति देगा। शुरुआती तौर पर 6 इमोजी मिलेंगे, जिसमें लाइक, लव, सरप्राइज, सैड और थैंक्स शामिल है। कहा जा रहा है कि भविष्य में सभी इमोजी उपलब्ध हो जाएंगी। मेटा के स्वामित्व वाले ब्रांड ने सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से घोषणा की, जिन्होंने पिछले महीने ही कंपनी के व्हाट्सएप कम्युनिटीज के बारे में कई बातें कही थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,480 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,490 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। हाई स्कोरिंग मैच में दिल्ली ने 21 रनों से हैदराबाद को दी मात। आईपीएल 2022 के 50वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 21 रनों से हरा दिया है। सनराइजर हैदराबाद के सामने 208 रन का विशाल टारगेट था, जिसके जवाब में टीम ने 186 8 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाबी हासिल की और मैच हार गई। निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। दिल्ली की जीत में खलील अहमद ने 3 विकेट लिए। मौजूदा टूर्नामेंट में हैदराबाद की लगातार तीसरी हार रही। SRH ने अब तक 10 मैच खेले हैं, इस दौरान 5 में जीत दर्ज की है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली 10 मैचों में ये 5वीं जीत उसकी रही है। पंत की टीम भी 5 मुकाबला हार चुकी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुमन कुमार, जितेंद्र कुमार, साहिल कुमार, मंजीत कुमार सिंह, रवि कुमार, नुन्नू कुमार, मंजीत कुमार, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 50% ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के फैसले से छात्रों को कितना फायदा मिलेगा। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।